हाँ बोलिए। आपका टाका खो गया है? हाँ। कितना? 15 से 10 टका। कहाँ पर? बनेली में। बनेली में? हाँ। तो दोस्तों अगर बनेली का कोई भी लोग देख रहे हैं तो ये हमारे चाचा हैं। क्या नाम है आपका? फजलुर रहमान। तो हमारे चाचा का नाम फजलुर रहमान है, इसका जो है कि बनेली में टाका खो गया है 1500-1550। 1510 रुपया। तो जिन भाई को मिला है अगर बनेली के लोग देख रहे हैं तो इन भाई से संपर्क करिएगा, बहुत गरीब है। बाकी ये देख सकते हैं दुकान लगाए हुए हैं, तो इनके दुकान पे देख सकते हैं यहाँ पे मधु, राजनिवास, कुरकुरे वगैरह, बस यही सब चीज़ें हैं। तो गरीब लोग हैं, अगर इसका पैसा अगर मिला होगा तो मैं आप लोगों को नंबर दे दूँगा, आप लोग हमसे संपर्क करके इस चचा का जो है कि रुपया वापस कर दें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद मामूर, आप देख रहे हैं करंकिया वाले ब्लॉग्स चैनल। तो दोस्तों आज है 1 जनवरी 2024। दोस्तों जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं सबको मैं अपने तरफ से नया साल का जो है कि मुबारकबाद देना चाहता हूं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहां पे अभी मैं मुकेश जायसवाल की दुकान पे खड़ा हूं। आज का जो ब्लॉग है दोस्तों मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं ये लड़के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो इन लड़कों से दोस्तों मैंने बात किया, तो इन लोगों का कहना है कि यानी कि 1 जनवरी 2024 को हमारे धोबनिया फील्ड में जो है कि क्रिकेट होना है, यानी कि क्रिकेट मैच, तो आज उसी का फाइनल है। तो ये लोग जो है कि यहाँ पे आए हुए हैं यानी कि डीजे वगैरह एम्पलीफायर वगैरह लेने के लिए, जो फाइनल क्रिकेट मैच होगा उसके लिए। तो हमने इन लोगों से भी बात किया, तो बाकी देख सकते हैं जैसा कि वीडियो में ये लोग यहाँ पर बता रहे हैं। दोस्तों मैंने वीडियो में वॉइस ओवर किया है, तो दोस्तों जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो उस टाइम मैंने माइक लगाया था, लेकिन किसी कारण दोस्तों यहां पे ऑडियो जो है कि हमारा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो इसके लिए दोस्तों हमें यहां पे जो है कि वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो दोस्तों इन लड़कों से हमने बात कर लिया, तो इन लोगों ने जो बताया वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। बाकी और आगे चलते हैं, और अभी दोस्तों हम बंगला हाट में ही हैं, तो आज का जो शुरुआत है वो यहीं से कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों जैसे हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे अनवर जी का दुकान खुला हुआ है पीछे में, और उसके बाद यानी कि जो भी सब्जी का दुकान है, किराना दुकान है, वो सब यहाँ पे खुला हुआ है। तो अभी दोस्तों हम बंगला हाट के सब्जी मंडी से स्टार्टिंग करते हुए जो है कि बाहर के तरफ जाएंगे, यानी कि रोड के तरफ जाएंगे। तो अभी दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं ये है हाकिम का सब्जी का दुकान। तो दोस्तों ये सुबह में खुल जाता है, वैसे 10-10:30 बजे तक जो है कि ये दुकान खुल जाता है, लेकिन आज जो है कि नया साल होने की वजह से इसका भी दुकान जो है कि बहुत जल्दी खुल गया, यानी कि सवेरे से खुला हुआ है। बाकी और भी सारे लोगों का दुकान यहाँ पर है, जैसा कि मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ। तो जैसा कि दोस्तों ये देख सकते हैं ये है तजमुल का दुकान, यानी कि तजमुल का जो किराना स्टोर है वो यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इसके जो दुकान पे ये लड़का बैठा हुआ है, इसका नाम है अशफाक, जो कि तजमुल का छोटा भाई है। तो ये किराना दुकान है, और इसके बाद हम आ चुके हैं यहाँ पे देख सकते हैं ये नौशाद का दुकान गया, उसके बाद दोस्तों हम फाइनली आ चुके हैं जहांगीर भाई के दुकान पर। तो इस भाई के दुकान में जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे लाइट लगा हुआ है, इसका दुकान जो है कि बहुत जगमग कर रहा है तो लाइट की वजह से, और हमारे जो जहांगीर भाई है वो भी हमारे बगल में ही है। तो इस वीडियो में मैंने उसका भी जो है कि ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहा था लेकिन किसी कारण रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो यहाँ पर हमारे जहांगीर भाई जो है कि बता रहे हैं कि इनका जो है कि होलसेल का दुकान है, आप लोग चाहे तो इसके दुकान पे आ सकते हैं, यानी कि किराना का कोई भी सामान आप लोगों को लेना हो, अगर आप लोग अपने गांव में घर में कोई छोटा सा दुकान करते हैं किराना का, तो आप जहांगीर भाई से जो है कि होलसेल में यहां पे सामान आ करके ले सकते हैं चीप रेट में, बाकी रिटेल में भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर हाकिम का दुकान तो खुला हुआ है सुबह से, बाकी आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर मेरा भी दुकान खुला हुआ है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें आगे में देखने को मिल रहा है ये जो है कि अजीम का दुकान है, जो कि कॉस्मेटिक दुकान है। यहाँ पे बैग्स वगैरह लेडीज़ का, यानी कि लेडीज़ और बच्चों का जो भी सामान है वो यहाँ पे अवेलेबल होता है। उसके बाद दोस्तों ये देख सकते हैं ये है इनामुल का किराना दुकान, यानी कि दोस्तों हमारे बंगला हटिया में सुबह के टाइम में जो भी किराना दुकान है वो खुल जाता है, बहुत सारे दुकान इस टाइम में नहीं खुलते हैं, लेकिन आज जो है कि जो भी किराना दुकान है वो सारा यहाँ पे खुला हुआ है। देख सकते हैं इधर दो दुकान आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये है नूरइस्लाम का दुकान। तो दोस्तों हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं अभी, तो ये नूरइस्लाम का दुकान है, और इसके बाद एक दुकान ये भी है, यानी कि दो किराना दुकान है यहाँ पे। तो और ये लोग भी दोस्तों होलसेल में सामान देते हैं, और ये जो दो दुकान आपने अभी देखा यहाँ पे, ये दोनों दुकान दोस्तों सुबह के टाइम में ही खुल जाता है रेगुलर, यानी कि हर रोज़। और ये सेठ जी का दुकान है, हमारे हसन मिठाई भंडार वाले का दुकान है।
तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि बाकिर के दुकान पे, यानी कि जो हमारे सेठ जी हैं हसन जी, उसके दुकान पे आप लोगों को कस्टमर कोई भी देखने को नहीं मिल रहा होगा। इसका कारण दोस्तों क्या है कि आज है 1 जनवरी 2024, यानी कि नया साल। तो नया साल के रोज़ दोस्तों जो भी लोग हैं यहाँ पर मीट मछली वगैरह ज़्यादा लेते हैं, बाकी मिठाई वगैरह जो है कि बहुत कम ही लेते हैं। मिठाई वगैरह वही लोग लेते हैं जिन लोगों को पूजा करना होता है। तो दोस्तों अभी हम जो है कि बाकिर के दुकान से होते हुए जो है कि आगे की तरफ जा रहे हैं। अभी देखा आप लोगों ने जो है कि हमारे साबिर जी थे वो यहाँ पे आप लोगों को दिखा वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आगे का कैमरा चालू कर लिया और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जहांगीर भाई के दुकान पे भी काफ़ी सारे लोग जो है कि आए हुए हैं मिठाई लेने के लिए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, जिन लोगों को यानी कि मिठाई का जरूरत है, पूजा वगैरह करते हैं, उन लोग जो है कि वो लोग यहाँ पे अभी दुकान पर आए हुए हैं। ठीक है, तो अभी मैं आगे की ओर बढ़ता हुआ जा रहा हूं। अभी आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों यहां पे हमारा जो सब्ज़ी यानी कि सब्ज़ी मार्केट था, वो वहां से हमने स्टार्टिंग किया। अभी दोस्तों देख सकते हैं पीछे में हमारे तस्लीम जी का जो है कि मोटरसाइकिल गैराज है। तो अभी दोस्तों मैं जा रहा हूं यानी कि मछली मार्केट। तो दोस्तों हमारा जो मछली मार्केट है वो रोड पर ही लगता है। ठीक है, तो अभी आगे मैं देख सकते हैं ये हमारा जो है कि मोहसिन भाई का जो है कि फुटवेयर दुकान और मेडिकल, आप लोगों को बोर्ड में दिख रहा होगा रेहान फुटवेयर। ठीक है, तो इसी के दुकान के आगे से ही दोस्तों यहाँ पे मछली का जो दुकान है वो लगना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो अभी जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पे मछली दिखा रहा हूँ, तो यानी कि ये जो देख सकते हैं यहाँ पे ये मछली है, यानी कि ये जो है कि क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे हम एक मछली वाले से यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे हमने जो है कि इनसे क्या बात किया। तो दोस्तों यहाँ पे 160 रुपये के जी यहाँ पे मछली दिया जा रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं उस डब्बे में जो है कि इसको चाइना मोगरी बोलते हैं, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सीलन और जो है कि और भी जो है कि कोई दूसरा मछली है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। बाकी तो दोस्तों यहाँ पे जो भी दुकान आप देख रहे हैं मछली का, ये दुकान जो है कि दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया हुआ यहाँ का वीडियो, ये है कि हमारा यहाँ पे यानी कि चौक है, यहाँ पे हाट भी लगता है। और ये जो हमारे यहाँ का जो चौक है दोस्तों यानी कि हाट है, ये रोज लगता है। और ये जो मछली वाले हैं यानी कि आज सुबह के टाइम में यहाँ पे दुकान लगा के रखा है, इसलिए कि आज जो है कि नया साल है। बाकी ये लोग दोस्तों यहाँ पे शाम के टाइम में ही दुकान लगाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं ये बंदा यहाँ पे जो है कि मछली बेच रहा है। तो ये जो मछली देख रहे हैं यहाँ पे आपको, ये 200 रुपये के जी मछली है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़ा बड़ा साइज का मछली है। ठीक है, 200 रुपये के जी ये मछली, हमने इनसे बात किया तो इन्होंने बताया कि 200 रुपये के जी है ये मछली। बाकी ये जो बंदा देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये जो मछली बेचने वाला है, तो ये तो रेगुलर मछली ही बेचते हैं, बाकी आज जो है कि नया साल के वजह से यहाँ पे जो है कि चिकन भी बेच रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। और इसका स्माइल देखिए क्या ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आप लोगों को एक्सप्लोर करा दिया है, यानी कि जो भी मछली मार्केट था, सब्जी मार्केट था, जो भी किराना दुकान यहाँ पे हमारे बंगला हाट में सुबह के टाइम में खुला हुआ रहता है, इसको जो है कि दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने दिखा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो है कि आगे का कैमरा चालू कर लिया है। अभी दोस्तों हमें जाना है अपने टावर पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें टावर पे जाके हमारा जो टावर में रूम है उसको दोस्तों हम यहाँ पे सफाई करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों शाम में वहाँ पे भी हम लोग जो है कि कुछ ना कुछ प्रोग्राम यहाँ पे करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पे रास्ते में आते हुए ही दोस्तों यहाँ पे हमें सुल्तान भाई मिला, तो वो हमें कह रहे थे कि बस आप लोग जो है कि वीडियो बनाते रहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे गाँव में जो है कि 5G का नेटवर्क जो है कि अभी तक नहीं आया है, तो आप लोग इसके बारे में कुछ बात नहीं करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे अभी 5G चालू नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा 5G चालू होने में। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं ये है अंकल। तो इस अंकल ने मुझे ये बताया कि इसका जो है कि पैसा किसी बाज़ार में खो गया था। तो वो कौन सा बाज़ार है इसके बारे में मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इस अंकल से हमने बात की तो ये अंकल बता रहे थे कि इसका पैसा जो है कि किसी बाज़ार में खो गया है। तो यहाँ पर ये अंकल जो है कि गरीब है। बाकी देख सकते हैं ये जो दुकान पर यहाँ पर सिर्फ जो है, ये जो दुकान देख रहे हैं पीछे में, ये इसके खुद के ज़मीन पे है। बाकी ये चचा का जो है कि पैसा कहीं ना कहीं खो गया है। तो जिन लोगों को ये पैसा अगर मिला है इस अंकल का, तो आप लोग कोशिश करके जो है कि इसका पैसा वापस कर दें, क्योंकि 1510 रुपये इनका कहना है कि हमारा जो है कि खो गया है। अगर जिन लोगों को भी मिला हो 1510 रुपये कहीं पर भी, तो वो भाई जो है कि इसको ला करके लौटा सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं दुकान में मधु, राजनिवास, बाकी कुरकुरे वगैरह बच्चों के खाने के लिए सामान वगैरह ही बेचते हैं, क्योंकि ये गरीब लोग हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं जहांगीर भाई के दुकान पर भी काफ़ी सारा भीड़ लगा हुआ है, क्योंकि मैंने आप लोगों को इसको पहले भी दिखाया था। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी पूजा करने वाले लोग हैं यहाँ से जो है कि मिठाई वगैरह लेकर के जा रहे हैं, पूजा का जो है कि मिठाई। तो अभी दोस्तों हम चल रहे हैं अपने टावर पे। जैसा कि आप लोगों को पता है हमारा जो टावर है बंगला हाट से सटे हुआ ही है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं स्टार्टिंग में हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये जो है कि चिकन शॉप।
तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि 10-12 चिकन शॉप है, तो यहाँ पे हमने जो है कि एक चिकन वाले से बात किया, तो ये भाई बता रहे हैं कि अगर आप खड़ा मुर्गा लेते हैं तो आपको जो है कि 130 रुपये के जी मिलेगा, और अगर बना करके लेते हैं तो 200 रुपये के जी मिलेगा, ठीक है। बाकी रेट सब जगह सेम ही है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सब दुकानों को दिखाया है कि जहाँ पे चिकन बिकता है, तो ये है साकिम का दुकान। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं बगल वाला दुकान। तो दोस्तों यहाँ पे मैं दुकान का काउंटिंग भी कर रहा हूँ। वैसे दोस्तों यहाँ पे 12 दुकानें हैं जो कि यहाँ पे चिकन बेचता है, यानी कि पोल्ट्री फार्म वाला, ठीक है। तो ये है यानी कि मुर्तुजा का दुकान। तो दोस्तों आगे में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये है यानी कि ये हमारा बंधु है। तो इस बंधु से दोस्तों हमने जब बात किया, तो इनका कहना है कि हमारे यहाँ पे 20 रुपये कम में मिल रहा है सामान, यानी कि अगर आप लोग जो है कि खड़ा मुर्गा लेते हैं तो आपको जो है कि 100, यानी कि उन लोगों से बात किया हमने तो वो कह रहे थे कि 130 रुपये के जी, लेकिन इस भाई से जब हमने बात किया तो इनका कहना है कि हम 120 रुपये के जी देंगे खड़ा मुर्गा, बाकी 180 रुपये जो है कि बना हुआ मुर्गा देंगे, ये हमारे भाई साहब, ठीक है। तो इसके पास दोस्तों आपको 10 रुपये 5 रुपये हमेशा रेट जो है कि कम ही मिलेगा। तो अभी देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम बंगला हटिया से जो है कि निकल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहां से जो है कि हमें वीडियो को लास्ट करना होगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों यहां पे आप लोगों को जो इतना सारा लोग देखने को मिल रहा है सुबह के टाइम में, ये हर रोज़ नहीं रहते हैं, क्योंकि आज नया साल है, तो इसीलिए दोस्तों कोई मीट लेने, कोई जो है कि मछली लेने, कोई सब्जी वगैरह लेने के लिए जो है कि प्याज लहसुन तेल वगैरह जो भी सामग्री चाहिए मीट बनाने के लिए, वो सब यहाँ पर लेने के लिए लोग आए हुए हैं। तो दोस्तों ये है नासिर का दुकान। तो दोस्तों हमने इनसे भी बात किया लास्ट में, तो इनका भी यही कहना था कि अगर खड़ा मुर्गा लेते हैं बिना बनाया हुआ तो आपको जो है कि 130 रुपये के जी मिलेगा, अगर आप लोग बनाया हुआ लेते हैं तो वो 200 रुपये के जी मिलेगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को दिखा दिया है अच्छी तरह से, और हमारे जो है कि बंगला हटिया में कितने सारे जो है कि चिकन शॉप है, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ पोल्ट्री का चिकन मिलता है, यानी कि पोल्ट्री फार्म वाला जो मुर्गा है उसी का यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को मीट मिलेगा। बाकी दोस्तों हमारे बंगला हाट में जो है कि खस्सी का मीट का जो है कि एक भी शॉप नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आगे की ओर बढ़ता हुआ जा रहा हूँ, यानी कि टावर की तरफ। तो दोस्तों अभी वीडियो हम यहाँ पे रोक देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा टावर पे जाने के। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने सोचा था कि रूम जो है कि पूरा अंदर से जो है कि दोस्तों कचरा वगैरह होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, रूम पूरी तरह से अंदर से क्लीन है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें आप लोगों को ऑडियो प्रॉपर आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों इससे पहले जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है उसमें दोस्तों जो भी है वो मैंने वॉइस ओवर किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों किसी कारण से जो है कि हमने जो वीडियो तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन उसमें जो है कि ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ठीक है। हमने माइक लगाया था लेकिन वीडियो जो है इनकी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, वीडियो प्रॉपर रिकॉर्ड हुआ है, बाकी मैंने वॉइस ओवर इसमें किया हुआ है।
दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ टावर पे। ये आपको देख रहा होगा बाहर का व्यू। तो दोस्तों मैं आप लोगों को जो है कि एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं ये है बाहर का व्यू। ठीक है दोस्तों, ये रूम काफ़ी बड़ा नहीं है, काफ़ी छोटा ही रूम है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि पीछे का कैमरा चालू करके आप लोगों को रूम, दोस्तों ये है हमारा रूम। ये दोस्तों हमने यहाँ पे खुद से बनाया हुआ है। तो रूम जो है कि अंदर से पूरी तरह से क्लीन है, यानी कि साफ़ सुथरा है। पहले इसमें बहुत सारा जो है कि कचरा वगैरह था, तो यहाँ पे जो है कि इसको प्रॉपर यहाँ पे साफ़ करवा दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये आप लोगों को दिखाना था, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग को वीडियो जरा से भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।